तो हेलो दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि हम अपने मेरा जो पहले पुराना जो आधार कार्ड आता था उसमें वर्चुअल आईडी नीचे लिखा हुआ मिलता था, लेकिन अब जो न्यू आधार कार्ड आ रहा है उसमें आपको वर्चुअल आईडी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, बस आपका आधार कार्ड का 16 डिजिट का नंबर आता है, वर्चुअल आईडी आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जिसमें वर्चुअल आईडी देखने को नहीं मिल रहा है उसका वर्चुअल आईडी आप कैसे जनरेट कर सकते हैं एक सेकेंड में, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है क्रोमो ब्राउजर में, और वहाँ पे आधार कार्ड की जो अपनी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI, उसको मतलब सर्च करना है। देखिए UIDAI टाइप करके सर्च करना है, तो देखिए ये पहला वेबसाइट आ जाएगा UIDAI, जो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आधार सर्विस है, ऊपर है अपडेट आधार, सबसे ऊपर है गेट आधार। तो यहाँ पे देखिए आधार सर्विस में नीचे तीन चार ऑप्शन है, सबसे नीचे देखिए थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन है वर्चुअल आईडी VID जनरेटर। तो सिंपली से आपको वर्चुअल आईडी VID जनरेटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे नीचे आना है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, चेक आधार PVC कार्ड, ऑर्डर एसेस, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे नीचे आना है, और सबसे नीचे देखिए सबसे नीचे से सेकेंड नंबर पे VID जनरेटर है, मतलब वर्चुअल आईडी जनरेटर है 16 नंबर पर, यहाँ पे 16 लिखा है। तो VID जनरेटर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप VID जनरेटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, जनरेट VID, रिटर्वीड VID। तो आपको सबसे ऊपर देखिए सिलेक्ट है जनरेट VID, मतलब जनरेट वर्चुअल आईडी है, शॉर्ट में लिखा है VID। तो आपको उसी पे क्लिक, देखिए पहले से है, पहले से जनरेट वर्चुअल आईडी पे क्लिक है। अब यहाँ पे देखिए इंटर आधार नंबर, आपको 16 डिजिट का जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो डालना है। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं हम। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चे, देखिए यहाँ पे कैप्चे नहीं आ रहा है, कैप्चे पे देखिए, ये कैप्चे जो है यहाँ पे आपको कैप्चे क्लिक कर देना है, और सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सारा कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया 16 डिजिट का, यहाँ पे कैप्चे कोड डाल दिया, और यहाँ पे सेंड OTP पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, देखिए ऊपर आ गया से OTP सक्सेसफुली डिस्पैच टू योर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। अब क्या आधार मोबाइल जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ चुका है, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर OTP का वेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने OTP जो आया है, OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए आ गया योर वर्चुअल आईडी इतना हैज़ बीन सेंट योर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। देखिए यहाँ पे भी आ गया आपका वर्चुअल आईडी जो है इतना है, और जो आपका वर्चुअल आईडी है ये है देखिए 91366 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और ये आपके जो आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ये सेंट भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर हैज़ बीन सेंट, तो यहाँ पे इसको भी आप नोट कर सकते हैं, और नहीं तो आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर भी सेंड कर देगा। तो सिंपली सम नंबर मैसेज देख लेते हैं कि मैसेज मेरा आया है नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैसेज आ गया है नोटिस में, देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए आधार लिखा हुआ है, आधार में डियर प्रिंस कुमार 9136 यहाँ पे लिखा हुआ है HD वर्चुअल आईडी फॉर योर आधार नंबर। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का लास्ट का चार नंबर दिख रहा है, डेट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं बिल्कुल एक मिनट में, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक बार न्यू वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।